कटनी के होटल राघव रीजेंसी के स्विमिंग पूल में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में होटल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। राघव रीजेंसी के स्विमिंग पूल में डूबने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। ये बच्चा नहाने के लिए पूल में गया था। घटना की जानकारी मिलते ही NKJ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की तफ्तीश शुरू की। मृतक बच्चे के परिजन घटना के बाद से सदमे में हैं। टीकमगढ़ निवासी 7 साल का अर्थव गुप्ता कटनी अपनी नानी के यहाँ छुट्टी मनाने आया था। अपनी माँ और मौसी के साथ राघव रीजेंसी स्थित स्विमिंग पूल नहाने गया था। परिजनों का कहना है कि काफ़ी देर नहाने के बाद जब बालक पूल से बाहर नहीं निकला तो परिजनों को आशंका हुई। पानी से निकाल कर मासूम को अस्पताल ले जाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बच्चे के परिजनों ने कहा कि राघव रीजेंसी स्थित पूल में ना कोई सुरक्षा के इंतजाम हैं, ना सिक्योरिटी गार्ड, ना ही कोई ध्यान देने वाला है। ऐसे में पूल में नहाने वालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। अर्थव गुप्ता है, पिताजी का नाम है रोहित गुप्ता, 10 साल का है, रहने वाला टीकमगढ़ का है। यहाँ अपने ननियाल आया था माधव नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, और राघव एजेंसी में वाटर पार्क के वहाँ गया था नहाने के लिए। वहाँ पर डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। शासकीय अस्पताल कटनी लेके आए हैं जहाँ पर मर्ग पंचनामा करवाई चल रही है। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, बच्चे आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले, क्या उस पर मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।